एक-एक को आना पड़ेगा, एक-एक जी और बांधे जी, एक-एक को आना पड़ेगा, एक-एक जी और बांधे जी। आप देश विरोधी बातें मत किया करें। कि शाहीन बाग के कारण जो एके मिश्रा जब अपनी मर्सिडीज के अंदर वहां से जाते हैं उनको 2.5 घंटा इंतजार करना पड़ता है, दूर से नोएडा आना पड़ता है, एके मिश्रा को ऐसी दिक्कत नहीं होगी। मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा अपने गेस्ट को, मेरे साथ जुड़ रहे हैं इस टीम वन में पॉलिटिकल एनालिस्ट है एके मिश्रा जी, द फायरी पॉलिटिकल एनालिस्ट, पॉलिटिकल एनालिस्ट है एके मिश्रा जी, द फायरी पॉलिटिकल एनालिस्ट, उपाध्याय जी और एके जी आपको आना पड़ेगा। उपाध्याय जी, बात दरअसल यह है कि अब जो चुनावी फायदे के लिए इसको इस्तेमाल करना, पास आ जाइए। थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि डिबेट के अंदर एनर्जी कम है। मेरी बात सुनिए, समय आ गया है कि अब आप लोग भी इसको चुनावी फायदे के लिए इस्तेमाल करना बंद करिए। आप जाइए और ये कहिए कि अगर होम मिनिस्ट्रीज को हटाएगी तो आपकी सरकार, दिल्ली सरकार, भले वो भाजपा की बने या आम आदमी पार्टी की बने, भाजपा की बने तो चलो इनके लिए अच्छी बात है, पर अगर आम आदमी पार्टी की बनती है तो आप भी इसका सहयोग करेंगे। 1 vs 1। देखिए, चुनावी फायदा किसने उठाया, कौन शाहीन बाग का नाम ले रहा था, कौन शाहीन बाग के नाम पर वोट मांग रहा था। बात अगर चुनावी फायदे की होती तब तो अब तक खत्म हो गया होता। इनके व्यक्तिगत फायदे हैं, ये भंडारा चल रहा है, आसाम को अलग करना इनका लक्ष्य है, इन्होंने अपने मुंह से बोला है। लॉ एंड ऑर्डर आपके पास है, पुलिस आपके पास, मिलिट्री आपका, कश्मीर में खाया, अरे भाई भाव कौन उठाएगा, अरे क्या जनता उठाएगी, अरे आप लोग देखिए कहीं ना कहीं सरता विहार का भी ध्यान रखिए, सरता विहार के लोग परेशान है, लोग नहीं है, इनको अपने आप उठना चाहिए, नहीं जा पा रही, फ्री में बच्चे नहीं जा पा रहे। लॉ एंड ऑर्डर आपका है, अगर गलत कोई भंडारा दे रहा है बंद करो, लॉ एंड ऑर्डर पे जब लाठियां चलेंगी ना तब आप चिल्लाना शुरू करेंगे। अरे रास्ता खुलवाएगा कौन, अभी लॉ एंड ऑर्डर यूपी में सुधारा गया था ना, क्यों चिल्लाने लगे थे। लॉ ये तो कर्तव्य भी आपका है, वहाँ रास्ता खोलना आपका कर्तव्य है, आपकी ड्यूटी है, यूपी में जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है यूपी में। अरे तो दिल्ली में क्या दिक्कत है, जब यूपी में खुलवा सकते हो दिल्ली में। भूत बातों से नहीं मानते हैं, मैं आपको बोल रहा हूँ ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। अभी भैया बाबू बोला जा रहा है आपके पास, लॉ एंड ऑर्डर है, जो करिए करिए, फिर आप चिल्ला रहे हैं, हम चिल्ला रहे हैं, अरे आज आप चिल्ला रहे, खुलवा रास्ता खुलवा, रास्ता खुलवाओ भाई, कागज नहीं दिखा रहे थे आप के लिए, बिना मांगे कागज दिखा रहे, रास्ते की बात करिए, अरे सब दिखाएंगे इस देश में जो रहेगा, यहाँ के संविधान को माने। मेरी बात है एके जी और इनके बीच की फायरी डिबेट के बाद, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये लताड़ा तो मुझे नहीं देखा, ऑब्जर्वेशन पर सवाल, ये मेरी बात सुनिए, मान लीजिए दो स्थिति है, अगर कल एक प्रोबेबिलिटी में आम आदमी पार्टी सरकार में आती है तो तब कौन सी तारीख तक शाहीन बाग खाली होगा। दूसरी चीज, अगर मान लीजिए कल आप जीत जाते हैं तो कौन सी तारीख तक शाहीन बाग खाली होगा। मैं चाहता हूं कि शाहीन बाग के कारण जो एके मिश्रा जब अपनी मर्सिडीज के अंदर वहां से जाते हैं उनको 2.5 घंटा इंतजार करना पड़ता है, दूर से नोएडा आना पड़ता है, एके मिश्रा को ऐसी दिक्कत नहीं होगी। कि शाहीन बाग के कारण जो एके मिश्रा जब अपनी मर्सिडीज के अंदर वहां से जाते हैं उनको 2.5 घंटा इंतजार करना पड़ता है, दूर से नोएडा आना पड़ता है, एके मिश्रा को ऐसी दिक्कत नहीं होगी। देखिए, सारी जो दिक्कत है ना, ये एनपीआर, एनआरसी, सीए, सारी दिक्कत क्या है वो हमारी बहन ने बता दिया, एक-एक को आना पड़ेगा, एके जी और उपाध्याय जी, एक-एक को आना पड़ेगा, एके जी और उपाध्याय जी। 70 दिन से इसलिए चल रहा है कि 70 साल से जो लोग ये कश्मीर में कर रहे थे वो अब हो गए हैं खत्म, अब उनको कश्मीर में करने के लिए कुछ बचा नहीं है, तो अब एक मिनी बड़े शर्म की बात, बड़े शर्म की बात है, 70 साल बड़े शर्म की बात है, क्या रे प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, पूरी पुलिस, पूरा अमला, और उसके बाद कश्मीर अगर दिल्ली में हो रहा है, कश्मीर अगर दिल्ली में शाहीन बाग में हो रहा है, तो सरकार के लिए डूब मरने की नौबत है, डूब मरना चाहिए ऐसी सरकार को जो कश्मीर का जो उपद्रव था वो दिल्ली में हो। ये किसी का कर्तव्य नहीं है, आप अपनी नाकामी छुपा रहे हैं, सरकार की नाकामी, शाहीन बाग हो जाएगा, शाहीन बाग खाली हो सकता था, विपक्ष को आपको लग रहा है कि वहां कोई गलत कर रहा है, जिन्होंने संविधान के तहत कार्रवाई करिए, बंद करिए, जेल में डालिए, गोली मारिए, डंडा चलाइए, कोई मना नहीं कर रहा, दो आप करना नहीं चाहते, आप करना नहीं चाहते,
पत्थर चलाना नियत साफ नहीं है, आपकी नियत साफ हो। अरे पत्थर है, आज उपाध्याय जी भारी हो रहे हैं, आज उपाध्याय जी भारी हो रहे हैं। नहीं, आप उपाध्याय जी से बैठ के 15 दिन हो गए। देश के कानून मंत्री माननीय रविशंकर प्रसाद जी ने कहा आइए बातचीत करिए, क्या मसला सुनते हैं, कोई आया क्यों नहीं। जी ने बातचीत करने के लिए बुलाया, 4 घंटे की बैठक में कोई बात नहीं। जिस आंदोलन का कोई नेता नहीं, जिसका कोई मांग नहीं, जिसका कोई, आप क्या बातें, कोई बात करने नहीं आ रहा, कोई नेता नहीं है, उसके बाद भी आंदोलन 2 महीने चलता है। अरे वाह सरकार, अरे वाह सरकार मेरी, वाह मेरी सरकार, मानना पड़ेगा। देखिए आंदोलन तो सरकार की ओर, एक बार जनता ने 300 सीट दिया, इसीलिए दिया क्या कि आप एक प्रोटेस्ट मार्च के बाहर के लोगों का एजेंडा चला रहे हैं। 70 आज कैसी बात कर रहे हैं आप, एक बच्चे की मृत्यु हो जाती है आपके लिए शहीद है, शहीद है हमारे। कैसी बात कर रहे हैं आप, शहीद है, कैसी बात कर रही है। आप उधर आइए, जब मेरी बुरा मत मानिएगा, पर मैं एक जी आपको देश रत्न निगम संदीप चौधरी, जब सुनिए मेरी बात, जब नहीं मैं ये कह रहा हूँ, जब टेररिस्ट, मेरी बात सुनिए, मैं ये नहीं कह रहा शाहीन बाग में बैठे हुए, सुनिए, शाहीन बाग में बैठे हुए लोग, हर व्यक्ति कोई वहां पे देश विरोधी नहीं है, मैं नहीं मानता, पर कुछ लोग जैसे ये मानसिकता, छोटा बच्चा 4 महीने का, जिसको कुछ समझ नहीं, जो कुछ चलना भी ढंग से नहीं सीखा, उसकी मृत्यु होती है ठंड से, और उसके माता बोलती है, ये बोल रहे हैं शहीद हो गया, यही तो गलत, यही तो टेररिज्म वाली मानसिकता है। ताकत नहीं है कि ये जाके विरोध करें, ये छोटे छोटे मासूम बच्चों के गले, बच्चों और महिलाओं को टूल्स। अरे देखिए उस महिला की भी गलती है, छोटे बच्चे को जो कुछ जानता नहीं लेके आई, उसके खिलाफ केस दर्ज करना चाहिए, उसके खिलाफ कानून का कानून के तहत कार्रवाई करिए उसकी तरह। ये आप आंसू बहाने से और कहने से और हल्ला मचाने से नहीं है, दिखना चाहिए यह देश संविधान से चलता है, दिखना चाहिए यह देश कानून से चलता है। अरे कानून अपना काम क्यों नहीं कर रहा, कानून का अपना काम है, नपुंसक कोई भी है, अरे मैं कब कह रहा हूँ नपुंसक है तो कानून कब काम करेगा, कानून को काम करना चाहिए, महिलाओं को और बच्चों को आगे करने से इस देश को नहीं रोका जा सकता। कानून व्यवस्था आपकी जिम्मेदारी है, आप अपनी जिम्मेदारी से, और देखिए आप जिम्मेदार है, आप जिम्मेदार है, महिला बच्चा लेके आई थी वो बैठी रही, तो कहीं ना कहीं प्रशासन को ये सुनिश्चित करना चाहिए बाल अधिकार सुरक्षित रहे, बच्चे सुरक्षित रहे, देश का नागरिक सुरक्षित रहे। सुरक्षा तो क्या कर रही थी सरकार, क्या कर रही थी सरकार, सरकार क्या कर रही थी, एक महिला, अरे महिला आगे करके कहती है इसको बंद कर दिया जाएगा, आप हाथ में हाथ करके बैठे रहेंगे, क्या कानून अपना काम नहीं करेगा। नहीं नहीं नहीं, मेरी बात ध्यान से सुनिए, उपाध्याय जी और देशद्रोही, उपाध्याय जी ये जो मेरे मित्र ने बोला, जो शहीद वर्ड गलत है, दूसरी चीज मेरी बात ध्यान से सुनिए, ये जो तालिबानी सोच थी क्या थी कि वो छोटे छोटे बच्चों को इस्तेमाल करते थे, सुसाइड बॉम्बिंग होती थी, मैं ये नहीं चाहता इस देश में, मैं नहीं कह रहा कि शाहीन बाग में बैठे हुए लोगों की ये मानसिकता है, पर वो जो मानसिकता थी वो बिल्कुल यही मानसिकता है कि भाई एक बच्चे की मौत हो गई, यही बच्चे की मौत हो गई, ये सुबह से शाम तक मजे। इस देश में माननीय मोदी जी, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, और फिर भी तालिबानी अगर सोच चल रही है, तालिबानी काम चल रहा है, तो उसको कौन रोकेगा दोस्त। अगर बच्चा लेके आई थी कोई लेडी, अगर 4 महीने के बच्चे को लेके आई, मुझे तो ये लग रहा है आप ही बचा रहे हैं, आप ही करा रहे हैं, और आप ही जिम्मेदार हैं, आपका बरहर, आपका आशीर्वाद शायद शाहीन बाग के साथ है, अगर आपका आशीर्वाद नहीं होता क्या शाहीन बाग डटा रहता, क्या रास्ता रुका रहता, सत्ता बिहार के लोग परेशान होते, क्या यहाँ पर चित्रोजमाने की बात हो रही होती। अरे देश की बात करिए, मैं फिर कहता हूँ, आप चाहते हैं कोई रोजगार की बात न करे, आप चाहते हैं कोई दवा की बात न करे, नहीं आप चाहते हैं कोई भूखे पेट की बात न करे, मेन मुद्दे गायब हो जाए, और इसी तरह बच्चे मरते रहे, नागरिक मरते रहे, लोगों का रास्ता रुका रहे, लोग परेशान होते रहे, अरे चंद मुट्ठी भर लोग, चंद मुट्ठी भर लोग देश की राजधानी के अंदर, अरे सरकार को चैलेंज, एक आदमी ने, आप कुछ नहीं कर पा रहे, देश को सरकार की नाकामयाबी, सरकार की नाकामयाबी सामने दिखती है, अरे जेल में डाल दो जिसके बाद देश विरोधी बातें मत किया करे, जिसके बाद देश विरोधी बातें मत किया करे, देश विरोधी बातें मत करें आप। टुकड़े टुकड़े गैंग का सरगना, 3 साल तक आपने 4 सीट नहीं दाखिल किया, आज भी घूम रहा है वो, कितना समय लगा।
सर कुछ तो सोच के बड़ा करो। अब आपकी पार्टी जीत जाएगी, केजरीवाल जी जीत जाएंगे तो कर देंगे। मेरा अनुरोध है।